अगर वो गप्पू को मारना है तो उसका एक ही तरीका, किसी भी तरह से हमें उसकी अंगूठी जहन्नुम की आग में फेंकना ही पड़ेगा। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, क्यों ना हम गप्पू की शादी किसी पागल बुतनी से करवा देते। मामू, मुझे लगता है आपको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको मार डालेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं। देखो बब्बा लोग, गप्पू को मारने का कोई अच्छा तरीका सोचो, उसको हमें हमेशा के लिए खत्म करना है। अच्छा बच्चा लोग चुप रहो, उस्ताद की बात सुनो, उस्ताद के पास एक जगास प्लान है, कमान क्विक। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपस में। मामू, मैं अभी जाकर पूछ कर आता हूँ क्या खिचड़ी पका रहे हैं। क्या कर रहे गप्पू गुब्बारे में? गाइस मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, नट्टी इसके पहले कि गप्पू तुम्हें खत्म कर दे, हमें गप्पू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। अरे देखो ओका फिकर तुम मत करो, हमें मारने का तरीका गप्पू सपने में भी नहीं सोच सकता है। जानते हो हमें मारने का तरीका क्या है? इधर आओ। कूल लटी, ये तो गप्पू कभी नहीं जान पाएगा। अच्छा तुम्हें कैसे पता? जैसे मुझे ये पता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारे आइडियाज भी फ्लॉप है। What do you mean? You know what, Arnav? तुम जितने फनी हो ना, तुम्हारे आइडियाज उससे भी ज्यादा फनी है। क्या मैं फनी हूँ? मैं जोकर हूँ? नहीं बेचारा, Arnav is a joker. Arnav is a joker. He is a joker. Na 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 na. नटी तुम भी हंस रहे हो? अरे तो और नहीं तो का, जोकर को देख के हंसेंगे नहीं तो कर रोएंगे क्यों बाबू लोग? Enough! मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, हर चीज की कोई लिमिट होती है यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे। मैं जा रहा हूं। Arnav, Arnav! अरे Arnav यार, हम मजाक कर रहे थे। Arnav! अरे वापस आ जाओ, मजाक कर रहे थे। Arnav! बहुत अच्छे, बाकी की रही सही कसर मैं निकाल दूंगा। क्या समझते अपने आप को, दिखा दी ना यारी दोस्ती। गप्पू जी प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम्हें जाने दू? नटी मेरा दोस्त नहीं है, उन सब ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की। हाँ अब वो मेरे दुश्मन है, यानी आप मेरे दोस्त हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इन बातों से किसी और का बहकाना मूल्य नहीं, समझे? मैं गप्पू जी प्लीज प्लीज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका दोस्त भी बनने के लिए तैयार हूँ, और ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि नटी को हम कैसे मार सकते हैं। हाँ खबरदार Arnav, जुबान खोलने का गलती मत करना, ये कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है, ये मां हमारी जान खतरे में आ सकती है। क्यों नटी, एक जोकर तुम्हारी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? हाँ जोकर, यही नाम तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे दिया था ना, अब देखो ये जोकर तुम सबकी जिंदगी खतरे में कैसे डालता है। बात कहे के नटी, ये तुमने क्या कर दिया? Arnav तो सांस ही नहीं ले रहा, Arnav हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। तुम जानते हो Arnav सपने में भी तुम्हारा राज कभी गप्पू के आगे नहीं खोलेगा। देखो हमने Arnav के आंखों में बदले का आग देखा था, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और गप्पू पप्पू तुमको क्या लगता है बे, हमारा राज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जान जाओगे तुम? Ah!
अगर मैं अर्णव को यहाँ से लेकर गायब हो जाऊँ और उसे ठीक कर दूँ तो शायद मैं नेटवर्क का राज मालूम कर सकता हूँ। गप्पू, तुम ऐसा नहीं कर सकते गप्पू, ये लड़ाई के नियमों के खिलाफ है गप्पू। गप्पू अगलम पगलम जगलम अल मर्दूदम, अगलम पगलम जगलम अल मर्दूदम छू। मामू, ये कैसा युग आ गया है मामू, जहाँ खुद रावण राम भक्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। पगलम पगलम जगलम पल मर्दूदा छू। मैं कहा हूँ, मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ या ना। गप्पू जी, आप भी मर गए, अब तो मैं जरूर नरक में ही हूँ, ये सब उस लट्टे की वजह से हुआ। शांत 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 हो जाओ, मैंने तुम्हें नट्टू के जादू से बचा लिया था। क्या आप सच बोल रहे हैं? गप्पू जी आप महान है, आपका क्या कहना, आप पुरुष नहीं हो, I mean, मेरा मतलब आप महापुरुष हो, महाभूत हो। अब बताइए कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ, फरमाइए। मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि नेटवर्क के मर्जी का राज क्या है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। देखो, एक बार अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया ना, तो मैं नेटवर्क को फौरन खत्म कर दूंगा, उसके बाद न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। आपकी बात में दम है, अब आप ध्यान से सुनिए, नेटवर्क की जान उसकी कलाइयों में है, अगर आप उसके दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़कर पीछे की ओर मोड़कर उसकी कलाइयां तोड़ देंगे तो नटवर जान से खत्म हो जाएगा। इतना आसान काम है? हाँ मामू, ये इतना आसान भी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि नटवर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा और कहेगा ये लो मेरे दोनों कलाइयां और तोड़ दो, मरोड़ दो, मुझे मार दो। हम उस पर सोते वक्त वार करेंगे। अब इस दिन से तुम सीधा दूसरी दुनिया में उठोगे नट्टू। गप्पू गप्पू, देखो प्लीज हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो ना गप्पू प्लीज। देखो गप्पू, अभी आराम से बैठ के सुलह कर लेते हैं ना भाई। बहुत देर हो चुकी है नट्टू। आज मेरी सारी बेइज्जती की आग नट पर की राख पे जलकर भस्म हो गई, आज मेरा बदला पूरा हुआ। नटी, नटी वापस आ जाओ, रास्ता साफ है। वाह भाई अर्णव, मान गए, कल का स्टार आज का चमका है भाई, वेरी गुड, मान गए। आई स्वेर, क्या प्लान बनाया था, गप्पू को उसी के डेन में जाकर चकमा दे देना। वाओ, ओके ओके नटी, तुम्हें अंगूठी मिल गई है ना? अरे वो तो हमारे पास तब भाई आ गई थी जब वो ससुर का नाती हारते मरते हमें देख के खुश हो रहा था। ये देखो, ये रही असली अंगूठी, और उनके पास जो है अब नकली अंगूठी है। लेकिन नटी, अब आगे क्या करना है? अब हमें नरक की आग को ढूंढ कर ये अंगूठी को उमा झोंकना है, उसके बाद गप्पू का स्वागत।
बब्बा लोग, हमारी जादुई किताब कह रही है कि वो नरक की आग तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। वेरी गुड। अरे फिकर मत करो, उसका इलाज करता हूँ हम। छो रट्टी, इससे कुछ नहीं हो रहा। आग जलाओ, आग। हाँ।